नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम देश की आवाज में, जहां पर हम मुद्दे उठाते हैं और आप यानी कि जनता अपनी राय हम तक पहुंचाती है। आज का भी एक ऐसा ही मुद्दा है जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ है। हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जहां पर हम बात करेंगे हरियाणा के सोनीपत की। शिक्षा विभाग के दावे हवा हवाई होते यहां पर नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अटेरना के राजकीय स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। करीब 500 बच्चों पर केवल 5 ही अध्यापक हैं, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने कई बार शिक्षा विभाग को शिक्षकों की कमी के बारे में भी सूचित कर दिया है, पर वहां से भी अभिभावकों को केवल निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा। मजबूरी में अब अभिभावकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोनीपत की तस्वीरें हैं। ग्रामीण स्कूल में ताला जड़कर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका धरना प्रदर्शन करने का जो कारण है वो अपनी जगह बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उन बच्चों पर जो अध्यापक है वो बेहद कम है, सिर्फ 5 ही अध्यापक इस स्कूल में है। तो आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि आखिरकार बच्चों के पढ़ाई में यहाँ कितनी दिक्कतें आ रही होंगी। एक तरफ तो सरकार कहती है, प्रशासन कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, सवाल ये जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों की मजबूरी और उनकी बेबसी इनके चेहरों पर आपको साफ दिखाई देगी। ये जो शिक्षा का पतन यहाँ पर हो रहा है, इसको लेकर 3 महीने पहले यहाँ से टीचरों का तबादला हुआ था कि 12 अध्यापक यहाँ से जा चुके हैं, उसके बदले यहाँ पर 4 या 5 अध्यापक आए हैं सिर्फ। जो आज अंदर परीक्षा बच्चों की चल रही है, ये परीक्षा आप देख सकते हैं कि बच्चे क्या परीक्षा देंगे, जब 9th to 12th यहाँ पर 350 से 400 के करीब बच्चे हैं, सिर्फ उन पर 2 अध्यापक हैं। यहाँ पर स्कूल में इकट्ठे हो रहे हैं सभी, बहुत बढ़िया तरीके से स्कूल चल रहा था हमारा, और अब जो है कुछ मास्टरों का ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ कुल 5-6 टीचर बाकी बचे हैं, स्कूल का बेड़ा गर्क होने को जा रहा है, सारा गांव यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो चलिए अब रुक करेंगे आज के सवालों की ओर, नजर डालते हैं आज के सवालों पर। हरियाणा में कब सुधरेंगे शिक्षा के हालात? क्यों शिक्षा विभाग के दावे हवा हवाई? आखिर कब पूरी होगी शिक्षकों की कमी? कब तक प्रभावित रहेगी बच्चों की पढ़ाई? क्या 500 बच्चों पर 5 शिक्षक है सही? आखिर कब सुधरेगा शिक्षा का स्तर? अभिभावक क्यों है प्रदर्शन को मजबूर? अध्यापक क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? तो ये हमारे आज के सवाल हैं जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। इनके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो स्थानीय स्कूल है, आपके आसपास जो स्कूल है, वहां पर हालात कैसे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, सवाल आपके सामने हैं, इंतजार है तो आपकी राय का। तो देर मत कीजिए, फोन उठाइए, कॉल कीजिए और बताइए उस पर आपकी क्या राय है। टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाकर आप बता सकते हैं कि आपके वहां जो स्थानीय स्कूल है उसके क्या हालात हैं। इसके अलावा एक स्कूल ऐसा भी है जहां पर 500 बच्चे हैं लेकिन सिर्फ 5 ही अध्यापक है, ऐसे में कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे उनका भविष्य सुधरेगा? ये तमाम बड़े सवाल यहां पर आकर खड़े हो जाते हैं जिन पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं और ये आज के सवाल भी आपके सामने है। ये मामला है एक स्कूल का हरियाणा के, जहां पर अध्यापकों ने और ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है स्कूल में। कारण यह है कि विभाग को बार बार बताया गया कि यहां पर अध्यापकों की कमी है और कुछ ही समय बाद बच्चों की परीक्षाएं भी होनी है। बावजूद इसके आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि यहां पर अध्यापक नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। अक्सर सरकारी स्कूलों में आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं और यही शायद वो कारण है कि ये बच्चे और पिछड़ते चले जाते हैं। जी हाँ, तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले दर्शक हमारे साथ पलवल से रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, आपका स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखकर और इन हालातों को देखकर। मैडम,
नमस्कार नमस्कार। ये सरकार कहती है सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा क्या है? ये कुछ समय से ड्रामाबाजी करते हैं। मैडम जी मैं कई बार कह चुका हूँ, एक हमारे यहाँ ना गदपुरी है पलवल में स्कूल, आरोही मॉडल स्कूल, उसे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं कई बार लिख सकूँ, दो स्कूल है आरोही मॉडल स्कूल और नवोदय पब्लिक स्कूल, यहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ये मेन जी टी रोड पे स्कूल है आरोही मॉडल स्कूल पलवल में, कई बार कह चुका हूँ जी, उसको भी जाके दिखाए टीवी पर आप। जी रमेश, रमेश शुक्रिया जो खबरें अभी तक पर आपने ये भरोसा जताया है, और जरूर हमारी टीमें वहां जाएंगी और जैसे यहां पर अभी हालात बनते हरियाणा में शिक्षा को लेकर नजर आ रहे हैं, तमाम सवाल खड़े करते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ ऊना से मोतीलाल जुड़ चुके हैं। मोतीलाल आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर, आप बताइए आपके यहाँ का स्थानीय स्कूल कैसा है, क्या वहां पर हालात बेहतर है या फिर यहाँ पर भी ऐसे ही हालात है? मैडम नमस्ते आपको। नमस्कार मैडम जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे चाहे वो हिमाचल हो चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, सरकार तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हॉस्पिटलों की बना रही है, स्कूलों की बना रही है, कॉलेजों की बना रही है, लेकिन शिक्षा के नाम पे जब सरकार के पास कुछ नहीं है, बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। मोदी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है की 90% लोग जो है वो साक्षर हो गए हैं, हरियाणा गवर्नमेंट भी यही कह रही है, लेकिन अभी देखो रूलिंग में अपना मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, तो इसका अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बिल्डिंग तो खड़ी करते थे ये लोग, और बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, देखो लोग कैसे ताले लगा रहे हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है। और दूसरा नंबर मैडम, मैं आपके अपने जी आपको मैं एक बधाई देना चाहता हूँ कि आज से एक सप्ताह पहले मैंने सिद्धार्थ नगर यूपी की एक मोटरसाइकिल का जो चलान हुआ था पीटे गए थे, मैडम आपको बहुत आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, उसी दिन जो अब वो बंदे सस्पेंड किए गए, उन पर कार्रवाई हुई है, तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो है बड़े आपका चैनल जो है बड़े इससे आवाज उठाता है जी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी एक अभी आपके चैनल में अभी तक खबरों में मैंने जो हरियाणा में इलेक्शन का जो पिटीशन चल रहा था तो उसमें जो है बताया कि 40 सीटें और 2 लड़के जो है जो हरियाणा के जो है वो इंजीनियर भर्ती किए और जो 36 बंदे हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र के भर्ती किए, क्या है ये सरकार? मोदी जी के भी दावे 370, ये सारा फजूल है जी, लोगों को रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है जी। मोतीलाल शुक्रिया खबरें अभी तक पर, एक बार फिर से अपना भरोसा जताने के लिए अगली दर्शक का हम रुख करेंगे। हमारे साथ देहरादून से रशीदा जी जुड़ चुकी हैं। रशीदा जी आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर, बताइए आप क्या कहेंगे? नमस्कार बेटा। नमस्कार, यही बोलना चाहती हूँ मैम, जैसे हमारे नेताजी होते हैं जब बनते हैं तो बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं कि भाई बच्चे बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को बढ़ाओ और शिक्षा, सब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है मैम। जी रशीदा शुक्रिया, ये जो आपने राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ रोहतक से अजय जुड़ चुके हैं। अजय, हरियाणा की ही तस्वीर है और आप देख सकते हैं शिक्षा का स्तर हरियाणा में कहाँ पहुंच रहा है, हालात कहाँ पहुंच रहे हैं, खासकर बात सरकारी स्कूलों की जाए, क्या कहना चाहेंगे इनको लेकर आप? मैम ये जो हमारे गाँव में बाली गाँव है रोहतक के पास, सुग्रह मिला रोहतक का, तो यहाँ पर मैम हमारे गाँव में जो 6 महीने से स्कूल टूटा हुआ है सारा, तो बच्चे क्या है मैडम, बाहर क्लास लेते हैं बाहर पढ़ते हैं, 6 महीने से ना तो कुछ स्कूल का कुछ कार्रवाई हो रही कि स्कूल बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब इसको अधर में लटकाया हुआ इस चीज को मैडम, ठीक है, और ना ही मतलब इतने जागरूक हैं लोग यहाँ के गांव के कि मतलब जाके मतलब कुछ एक्शन ले इसके प्रति, मतलब आके अभी इलेक्शन का टाइम आके मतलब वोट तो देते हैं कि बनवाएंगे बनवाएंगे, लेकिन क्या नहीं है, साथ नहीं है, मतलब ऐसे ही पढ़ा स्कूल कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, कोई मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो मैं आपके चैनल के जरिए यही कहना चाहूंगा कि हम इसके लिए थोड़ा आप करें कुछ, एक बार आप देखें यहाँ पर स्कूल में क्या चल रहा है, इसलिए मतलब 7-8 महीने से टूटा पड़ा है और बाहर बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बारिश के टाइम पे बड़े बड़े परेशान रहे बच्चे, तो मतलब इसके लिए थोड़ा एक्शन लीजिए मैम कुछ। जी जी अजय बिल्कुल कोशिश करेंगे हम भी, और जो आपने ये समस्या बताई है वाकई शिक्षा को लेकर भी और इमारतों को लेकर भी बहुत ज्यादा गंभीर है। अगले दर्शक का हम रुख करेंगे। डॉक्टर दर्शन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर, आप बताइए आपके उस पर क्या राय?
हाँ जी, सरकारी स्कूलों की तो तभी सुधरेंगे जब सभी जो सरकारी कर्मचारी सभी टीचर हैं, जो भी ऑफिसर लाइन में भी गए हुए हैं, सभी के बच्चे यदि सरकारी स्कूल में पढ़े और तो सभी ध्यान देंगे इसके ऊपर। और सरकार का भी यही है कि ना तो टीचर पूरे होते, एक हालात देखो कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग कैसी और प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग कैसी है। बिल्कुल, सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनके मकान देखो, उनकी कोठियां देखो कैसी हैं, और प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं उनकी झोपड़ियां देखो कैसी हैं। ये तो ज्यादा भेदभाव हो रहा है ना इसमें। हाँ, कुछ टीचर तो इतने 1 लाख रुपए से भी ज्यादा तनख्वाह लेते हैं और फिर भी कुछ पढ़ाई नहीं करते, और जो गेस्ट टीचर वगैरह भी लगाए गए बेचारे ये मेहनत करते हैं, इनकी तनख्वाह थोड़ी है। तो एक कुछ सीमित ऐसा किया जाए कि सभी को सम वेतन, बराबर वेतन मिले और सभी अच्छी मेहनत करें और साथ मिलकर चले, तभी ऐसा काम होगा। जी डॉक्टर दर्शन, शुक्रिया। ये जो आपने राय रखी है, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला याद आता है जब सभी सरकारी अफसर या फिर राजनेताओं को सरकारी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाने के आदेश देते हैं, और अगर वाकई में ऐसा हो जाए तो इन सरकारी स्कूलों के हालात सुधर जाए। अगले दर्शक हमारे साथ राम सचदेवा कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। राम सचदेवा जी, आपका स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर, आप बताएं क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार। ये मोदी जी ने एक तरफ तो ये कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर ये टीचर ही नहीं होंगे, स्कूल ही नहीं खुलेंगे तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी? अगर आज हमारी बेटियां नहीं पढ़ेंगी, यही आज मेरी बेटियां बाहर विदेशों में भी वो अपना नाम कमा रही हैं, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके पढ़ने के कारण ही आज वहाँ वो है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे तरक्की कैसे करेंगे? कल हमारा जो कल का भविष्य है, कल का जो हमारा भविष्य है, आज उन्हीं के ऊपर हम जिंदा है, आज उन्हीं के ऊपर हम वो है। आज अगर है तो सरकार वायदा तो बहुत करती है, लेकिन ये एक तरफ तो आशीर्वाद रैलियां निकालते हैं मनोहर लाल खट्टर जब वो करते हैं, क्या यही आशीर्वाद दिया है बच्चों को? स्कूल बंद कर दो, ये वो कर दो, ये तो आज तक कभी नहीं हुआ। हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े, हम भी कोई वो नहीं है। आज मतलब सुप्रिंटेंडेंट तैयार हुआ, पढ़ेंगे तो लिखेंगे तो कुछ बनेंगे, तो आज पेंशन मिलती है वो करते हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या विदेशों में थोड़े जी? बिल्कुल राम सचदेवा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे इंडिया बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर। अगले दर्शक हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं बागपत से। अजय आपका भी स्वागत है खबर अभी तक पर। इन तस्वीरों को देखकर और क्या कहना चाहेंगे आप अपने स्थानीय स्कूल के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर जगह एक ही स्थिति बनी हुई है, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, कहीं भी ले लो, मतलब कोई भी स्थिति हो रही है, सरकारों के आने से कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरा, जो सरकारी स्कूल है वहां तो चाहे मास्टर हो या मास्टर अगर होते हैं तो उन्हें एजुकेशन अच्छी नहीं होती है, उनकी जानकारी नहीं होती है विषय की, बच्चों को पढ़ाने वाले, और जहाँ वैसे अवेलेबल नहीं होते नहीं है। जैसे आपने बताया कि इतने हजार बच्चों पर, इतने सौ बच्चों पर शिक्षक नहीं है, तो मतलब पढ़ेगा कैसे? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जैसे मोदी जी के लोग जिक्र करते हैं, तो मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ना उनको प्रोत्साहन के लिए दिया था। अब वो तो मोदी जी अपने जादू से 1 करोड़ मोदी बन के जो है स्कूलों पढ़ाएंगे नहीं, तो ये तो नीचे सरकारी कर्मचारियों की भी दिक्कत है और उनके अधिकारियों की दिक्कत है, तो उनको काम करना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों खट्टर जी को सस्पेंड करना चाहिए, कैसे प्रशासन चला रहे हैं वो। और दूसरी बात, चौधरी रैना जी ने भी ये बात उठाई थी। और दूसरा, भ्रष्टाचार हमारे देश में इतना है कि चाहे पुरानी सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, रवीश कुमार जी हो, कुलपति जी हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई ढंग की बात नहीं करता है। अब आप देखिए, जब नेता जो है किसी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, सब जो है बच्चों के वोट कॉलेज स्टूडेंटों के बातों की चर्चा कर देते हैं, लेकिन कोई छोटे स्कूलों में चर्चा नहीं करता, क्योंकि 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे वोट बैंक नहीं है उनका। जब अगर ये वोट बैंक हो जाएंगे उनकी बात मानने लगे, और माता पिता और जनता भी थोड़ा सुस्त रहते हैं कि इसको मुद्दा बनाए कि जनता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें, नेताओं को घेरें, जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री उनको घेरें, उनका कुछ करती नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन करने से क्या होगा, कोई दमदार प्रदर्शन भी तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि तमाम मुद्दे बस वोट बैंक की राजनीति के आसपास घूमते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस राय के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ चेन्नई से प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम आपका भी स्वागत है खबर अभी तक पर, आप बताएं आपकी उस पर क्या राय है? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका चैनल कई दिनों से ये चीजें दिखा रहा है और कई दिनों से इसके पीछे पड़ा है, गवर्नमेंट आपकी भी सुनवाई नहीं कर रही है। आप समझिए कि यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट गूंगी बैरी हो गई है, और मेरे को ये समझ में आता है कि ये जो यहाँ की सरकार है, जो शिक्षा मंत्री हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो,
ये दोनों के दोनों एकदम हर बार एकदम रहते हैं, न शिक्षा विभाग ठीक है न स्वास्थ्य विभाग ठीक है, और आप भी इतना उठा रही है मुद्दा, कुछ समझ में नहीं आता है। इसके पीछे पूरे राजनीतिक कारण हो सकता है कि जो बच्चों के माँ बाप है वो बीजेपी में मिले हुए हैं, उन्होंने वोट देके बीजेपी को लगाए तो बोले हमारे बच्चे भी क्यों पढ़े लिखे हैं, इससे बढ़िया है वो भी बीजेपी में जाके उनको वोटिंग करे। खाली समझ में नहीं आता, एक आदमी ने आपकी एक चौपाल में सोनीपत में कहा था कि यहाँ पे तो कुंवारों को कमरा नहीं मिलता है और यहाँ पे एक को सीएम बना दिया एक को पीएम बना दिया। मैम ऐसी बातें हरियाणा में हो रही है, मतलब सारा हरियाणा सरकार में है तो सारी चीजें ही ऐसी हो गई है जो कि एक मजाक के काबिल हो गई है। बच्चों का भविष्य क्या करेंगे, ये अपना भविष्य बनाने में लगे हैं, घूमते हैं फिरते हैं, इनको परवाह है नहीं, खाने पीने की परवाह नहीं है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। बच्चे हरियाणा की स्थिति ऐसी होगी, सब जगह गंदगी है, न शिक्षा विभाग ठीक है न स्वास्थ्य विभाग ठीक है, मजा लेते हैं दूसरे का और कहते हैं कि उन्होंने क्या किया 70 साल में, उन्होंने क्या किया। अरे 70 साल में तुम 55 साल के हो गए हो तो उन्होंने 55 साल तक तुमको हवा पानी में खिलाया कि नहीं खिलाया, अब तो हमारे बच्चों को पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ, वो तो पढ़ के आए हैं यहाँ पे, हमारे इन बच्चों को तो पढ़ाओ तुम कम से कम, हमारे इन बच्चों को तो स्वास्थ्य की शिक्षा दो कम से कम। तुम कैसे 50 साल के हो गए, अगर वो सरकार ने कुछ नहीं किया तो तुम 50 साल की उम्र में कैसे आए, 60 साल की उम्र में या 70 साल में कैसे बने तुम। जी शुक्रिया प्रेम, ये जो आपने राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ झज्जर से जुड़े हैं, सतबीर इनका नाम है। सतबीर आपका भी स्वागत करती हूँ खबर अभी तक पर, आप बताएं आपकी इस पर क्या राय है और आपके आसपास जो स्कूल है उनके क्या हाल है। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, आरती यादव महेंद्रगढ़ जी। सतबीर हेलो जी बोलिए। हाँ आरती यादव महेंद्रगढ़ जी बोल रहा हूँ जी, बोलिए। हाँ जो अभी बच्चों के बारे में चल रहा है कि 500 बच्चों के ऊपर 5 शिक्षक रह गए हैं सोनीपत का, वो आ रहा है। हाँ तो मैम ऐसा है कि मेरी राय ये है, गवर्नमेंट कोई भी आ जाए कहीं भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं कर रही है और ऐसा ही हालात बनी हुई अभी। लेकिन हमारे जो युवा वर्ग है जो इतने शिक्षित हैं और वो धक्के खा रहे हैं, तो डीओ साहब को एक ऐसा ऑथराइज करना चाहिए ताकि वो इन स्कूलों में उस टाइम के लिए शिक्षकों की कमी को पूरा कर सके। और अभी जो एग्जाम का सीजन चल रहा है बच्चों की पढ़ाई का, वो है कोई टीचर जिस स्कूल से इधर से इधर कमी है वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते क्योंकि वो उधर की शिक्षा बाधित हो जाएगी। तो डीओ साहब का अगर ये इस तरह का एक वो ऑथराइजेशन हो जाए तो बच्चों का जो पढ़ाई है ना ये बाधित नहीं होगी और जब तक इसकी पूरी सही व्यवस्था ना हो तब तक बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, मेरा सुझाव यही है। जी जी शुक्रिया सतबीर, ये जो आपने राय रखी है लेकिन जो आपकी राय है उसके दूरगामी परिणामों की अगर बात की जाए तो उसके दूरगामी परिणाम यही कहते हैं, जिस हिसाब से गेस्ट टीचर अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन उनकी ओर से किए गए, कुछ ऐसे ही हालात फिर उन नौजवान युवकों के साथ होंगे जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि इसका और क्या अन्य विकल्प निकलेगा, कैसे स्कूल में जो शिक्षकों की भर्ती है वो जल्द से जल्द की जाएगी, ये देखना होगा क्योंकि 500 बच्चों पर सिर्फ 5 अध्यापक है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं यानी कि 100 बच्चों पर सिर्फ एक ही अध्यापक है और एक अध्यापक 100 बच्चों को कैसे संभालेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, अभिभावक इस बात को अच्छे से जानते हैं, ग्रामीण इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनकी ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने स्कूल पर ताला जड़ दिया है और इसके बाद यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार विभाग को बता दिया गया है कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती। अगली दर्शक हमारे साथ कुरुक्षेत्र से कमला जुड़ चुकी है। कमला आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर, आप बताए इस पर आपकी क्या राय। मेरी जी ये राय है कि इसमें जो पढ़ाई में पढ़ का क्या करा बच्चे, मेरे लड़के ने PhD कर रखी, 4 टेस्ट क्लियर कर लिए इसमें बीजेपी की सरकार में और उसमें इंटरव्यू में निकाल दे बच्चे ना, इंटरव्यू भी उसका बहुत अच्छा होता, फिर क्या करा। मेरी बहू ने 2 टेस्ट क्लियर कर लिए, उन्होंने बीजेपी तो बहुत कुछ कर रही, क्या कुछ भी नहीं करती। मैं कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ जी। जी जी कमला जी शुक्रिया, ये जो आपने राय रखी है और वाकई ये भी एक गंभीर इश्यू है क्योंकि जैसे आजकल हरियाणा की बात करें बेरोजगारी में पहले नंबर पर हरियाणा है, हरियाणा का जो युवा है टैलेंटेड है शिक्षित है, बावजूद उसके उस युवा के पास कोई काम नहीं है। अगले दर्शक हमारे साथ करनाल से मोहन जुड़ चुके हैं। मोहन आपका भी स्वागत है खबर अभी तक पर, आप बताएं इस हाल को देखकर आप क्या कहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जितना हरियाणा के बच्चे सबसे ज्यादा हरियाणा कहते ना हरियाणा दही का खाना, सबसे ज्यादा हरियाणा ही
पूरे प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है, सबसे वो आगे है। शिक्षा मंत्री क्यों नहीं वो करते, शिक्षा मंत्री ये एक तो कहते हैं, पहले तो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, क्या ये बच्चों के अच्छे दिन है? अगर उनको पढ़ाई नहीं होगी, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी, तो फिर वो बच्चे को अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? या उनके माँ बाप का जो पीछे बच्चे हैं वो करते हैं, तो वो कैसे वो करते हैं? अच्छे दिन, ये अच्छे दिनों का हाल है, अगर 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 स्कूलों में ताले कर दिए, अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे पढ़ेंगे? हम बच्चे ही आज हमारे कल का भविष्य, बच्चे ही हमारे कल का वो है। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गनोर सरकार कट दावा बहुत कर, दावा का कहना और बहुत करना बहुत फर्क है। हर चीज की कोई गुंजाइश होती है, वो होती है। सबसे लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अच्छे दिन है, क्या इन बच्चों के लिए अच्छे दिन है या उनके माँ बाप के लिए, भावुकों के लिए अच्छे दिन है? हर चीज की कोई गुंजाइश है, बच्चे ही। नमस्कार, जय जय भारत, धन्यवाद जी। शुक्रिया मोहनलाल, ये जो आपने राय रखी। और अगले दर्शक हमारे साथ विक्रम जुड़ चुके हैं पलवल से। विक्रम, आपका स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर, आप बताएं इस पर आपकी क्या राय? विक्रम, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से ना सरकार का दो स्कूलों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो हमारे यहाँ गांव पड़ता है नया गांव फजलपुर, ये प्रशासन की तरफ से और स्कूल के स्टाफ की जी गए वहाँ पे, घोटू घोटू घुटने घुटने के बराबर की घास खड़ी हुई है, ना कोई साफ सफाई वहाँ पर है। एक स्कूल है मीतोर गांव में, बच्चों के बैठने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, बच्चे कपड़े पहन के आते हैं जमीन पर बैठते हैं, बिछाने के लिए फर्श नहीं है, बेंच की तो बहुत उनकी बात है, बिछाने के लिए फर्श नहीं है। पे जो पंखे लगे हुए हैं वो पंखे ऐसे चलते हैं धीरे धीरे धीरे, पुराने जमाने के पंखे लगा रखे हैं। वैसे तो सरकार बहुत पैसा खर्च बताती है, फिर शिक्षा पे बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन जो बच्चे इतनी गर्मी में बैठ के वहाँ पे पढ़ते हैं जाके, वो पसीने में कैसे तो बच्चे पढ़ पाएंगे, कैसे वहाँ पे बैठ पाएंगे? जब तक शिक्षा में सुधार की बात करने का एक एक ग्राउंड स्तर पर एक भी 0% भी कोई शिक्षा में सुधार नहीं है, जब ग्रामीण स्कूलों पे सरकार ध्यान नहीं देगी। जी बिल्कुल विक्रम, ये जायज राय है आपकी। और जिस हिसाब से आपने बताया कि जो वो दो स्कूल हैं वो चिड़ियाघर जैसे लगते हैं, वहां पर घास खड़ी हुई है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं, वाकई एक गंभीर विषय है। अगले दर्शक का रुख करेंगे, करनाल से योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर, आप कहें आपकी इस पर क्या राय है? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी मैडम जी, मोदी ने कहा तो है कि कल परसों भी भारत में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया तो है। और मैं बताऊँ, 500 बच्चों पे 5 टीचर हैं, स्कूल सड़कों पे टीचर हैं, सड़कों पे आए पड़े हैं टीचर, कई बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, कोई मॉम लिंचिंग हो रहे हैं, स्कूलों की फीस दी नहीं जाती, अध्यापकों की तनख्वाह दी नहीं जाती, किसान फांसी खा के मरे, बाकी सब ठीक है मैडम, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। 80 रुपए पेट्रोल हो रहा है, 80 रुपए प्याज हो रहा है, अच्छी बात है मैडम, और क्या करें? पत्रकारों को थप्पड़ मार देते, जेल में बंद कर देते, और सब ठीक है। इसमें मैडम ये बताओ, कल पेपर हुआ है जो, उसमें कितने बच्चों की मौत हुई है इस पे भी पता है, कोई बताएगा? जो इतने दूर दूर बना दिए, ये बताओ जब स्कूल में अध्यापक नहीं होंगे, बच्चे पढ़ेंगे, अगर जो थोड़े बहुत बच गए वो बेचारे कहीं बस के नीचे आके मरे, कोई बिजलियों के तार पे लटक के मरे हैं, कोई बच्चियां कहीं पे चोट लग रही हैं, तो बताओ कहां से क्या इंडिया पढ़ेगा? जो ये क्लर्क की एग्जामिनेशन का जो मुद्दा है, वाकई अभी एक ऐसा मुद्दा है जो गरमाया हुआ है, और देखना ये होगा कि आने वाले समय प्रशासन इस पर क्या कर पाता है, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लग चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, ये जो आपने राय रखी। तो आज का हमारा मुद्दा था, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था, एक स्कूल से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जो ये हमें बताता है कि कैसे हरियाणा के कई स्कूल ऐसे हैं, जैसे कि दर्शक हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े उन्होंने बताया कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर अनेक प्रकार की खामियां हैं, और इन खामियों से बढ़कर बच्चे आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये बड़ा सवाल है। देश की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दें इजाजत और आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।